हाय दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक टू मरल फार्मिंग। ये वीडियो हमारे हिंदी फार्मर्स के लिए भाई। यहाँ पे हम आज मरल या दूसरे रोहू हो या कटला हो, दूसरे मृगल हो, दूसरे फिशेस के लिए भी या मरल के लिए भी मार्केट में अवेलेबल इंजेक्शन के नेम्स और उसका डोसेज का डिटेल्स जान लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो एक्चुअली नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, थ्री फोर केमिकल्स यूज़ करते हैं ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, मगर मार्केट में बहुत सारी फिश हैशरीज वाले जो रहते हैं ना, ओवा प्रीम या ओवा टेड या ओवा एफएच यूज़ करते हैं। ठीक है, वो ये सारे तीन ब्रांड्स में ना नेचुरल नहीं रहता है, सिंथेटिक गोनाड्रोपिन हार्मोन रहता है। ठीक है, ये सिंथेटिक गोनाड्रोपिन हार्मोन वाला जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसका डोसेज मैंने आपने आपके स्क्रीन पे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक डोसेज से एक एक रिजल्ट रहता है। ठीक है, नॉर्मल मरल की बात करें तो 1 kg के लिए 0.5 ml का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए 4 ml, मेल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 ml की बॉटल में आप 10 pairs तक आप ब्रीडिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मरल की बात कर रहा हूँ, वही कटला हो गया, मृगल हो गया, रोहू हो गया, तो उसका डोसेज अलग अलग है। आपको मैंने ऑलरेडी डोसेज स्क्रीन पे शेयर किया है। और नेक्स्ट बात आती है कि ये केमिकल हमें मिलता कहाँ है। ठीक है, इंजेक्शन हमें मिलता कहाँ है? नॉर्मली जो फिश और बॉयलर सीड सेल करते हैं ना, वहीं पे आपको ये केमिकल भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिश का और मुर्गी का दाना मिलता है ना, ठीक है, वहाँ पे ही इसका एंटीबायोटिक और केमिकल उसके साथ इंजेक्शन भी मिल जाएगा, मगर थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहता है। वो लोग जो मार्केट में बैठे हैं, दलाल लोग ना, होलसेल में एक ही बार उठाते हैं, तो मार्केट वो लोग थोड़ा प्राइस इधर उधर करके ब्लैक मार्केट के जैसा बेचते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ओवा प्रीम नहीं मिल रहा है, ओवा टेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या ओवा एफएच नहीं मिल रहा है, तो आप HCG को जा सकते हैं, मगर मार्केट में तो आपको यही यूज़ करेंगे फिश हैचरीज वाले। ठीक है, ओवा एफएच या ओवा टेड या ओवा प्रीम। ठीक है दोस्तों, ये आपको इजीली मिल जाती है। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो मेडिकल शॉप में पूछिएगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती है इंडिया मार्ट में जाइएगा दोस्तों। इंडिया मार्ट में जाएंगे तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप 10 जॉबलेस भाई मिलके एक यूनिट मंगा लेंगे, ठीक है, एक यूनिट में आपको 10 पीस रहेंगे, 10 पीस माने 10 बॉटल रहेगा, एक एक बॉटल में आपको 10 ml का रहेगा दोस्तों। ठीक है, 10 ml से आप मरल का 10 ब्रीडर का 10 पेयर का ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर रोहू या कटला या दूसरे फिश के ब्रीड करना चाहते तो और भी ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मैंने YouTube पे देखा है, बहुत सारे भाई लोग मृगल का और कटला का और रोहू का ब्रीडिंग, तो वो लोग बोलते हैं कि नॉर्मली 600 to 700 ग्राम में 1 lakh 0 cents का बच्चा मिलेगा। ठीक है, 600 to 700 rupees में 1 lakh 0 cents का बच्चा मिलेगा, 1 lakh बच्चा फिश हैचरीज वाले देते हैं। ये जो नेक्स्ट लेवल का दलाल रहता है ना, उसको देते हैं। फर्स्ट लेवल पे फिश हैचरी रहता है, सेकंड लेवल पे दलाल रहता है, वो लाखों में करोड़ों में बच्चा लेता है दोस्तों। ठीक है, तो समझ जाइएगा कितना सस्ता में बच्चा गिरता है। 600 to 700 rupees में आपको फिश का बच्चा मिलता है, रोहू या कटला हो या कॉमन क्रॉप हो। ठीक है, 1 lakh बच्चा 700 में मिल जाता है जीरो सेज का। ठीक है, तो एक एक केमिकल का एक एक रिएक्शन रहता है, ये साइंटिस्ट लोगों का टेबल है। तो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो रहता है फिश से एक्सट्रैक्ट हुआ किया हुआ, तो उससे एक रिज़ल्ट बता रहे हैं ये लोग। पता नहीं ये कुछ कंपनी से टाइप हुए हैं या ओवा प्रीम के कंपनी से, बताने के लिए कि ओवा प्रीम इस्तेमाल करने से ज़्यादा ब्रीडिंग होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो नॉर्मल फिश हैचरीज वाले रहते हैं ना, कॉस्टली वो दवा नहीं लेते हैं। ओवा प्रीम एक्चुअली कनाडा में बनती है, उसकी डुप्लीकेट नकल भी बना दी जाती है। ठीक है, जो सस्ता आता है वो ले लीजिएगा, आप ओन ब्रीडिंग करिएगा तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक एक डोसेज का एक एक रिज़ल्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझे कि आप 5 ml डालना है, 0.5 ml डालना है, तो आप 4 ml डालें 1 kg मरल को, तो उसका रिज़ल्ट अलग रहेगा। ठीक है, तो हद से ज़्यादा भी डालना नहीं है, जितना सजेस्टेड है उतना ही डालना है। ओवा प्रीम भी नहीं मिलता है, ओवा टेड भी नहीं मिलता है, या ओवा एफएच भी नहीं मिलता है, तो आप दूसरे ब्रांड पे भी जा सकते हैं। कि ध्यान रखना है, आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि वो केमिकल सेम होना चाहिए। ठीक है, ओवा प्रीम में जो केमिकल रहता है, दूसरे ब्रांड में भी वही केमिकल लीजिए, और प्राइस का भी आप
ध्यान रखिएगा, कॉस्टली मत लीजिए, मत लीजिए, सस्ते वाला देखिए, क्योंकि आप पहली बार ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सस्ते वाले से आप प्रैक्टिकल कीजिएगा मैक्सिमम 2-3 पेयर्स पे डिफरेंट डोसेस से, ठीक है दोस्तों। आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे 2-3 बार ब्रीड करने पे, ठीक है दोस्तों। ये दवा आपको मैंने ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, ये दवा मिलती कहाँ है, ठीक है। नॉर्मली जो फिश के और मुर्गी का, जो बॉयलर मुर्गी का सीड जो फीड मिलता है, वहाँ भी ये दवा मिल जाएगी आपको दोस्तों। फिश हार्मोन इंजेक्शन केमिकल बेचते हैं वो लोग, और एंटीबायोटिक भी बेचते हैं, और फीड भी बेचते हैं मुर्गी का और मछली का भी, ठीक है दोस्तों। ये बड़े बड़े सिटीज़ में, टाउन्स में रहता है, वहाँ पे जाके ले लीजिएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है मेडिकल शॉप में ट्राई कीजिएगा, और मेडिकल शॉप में भी नहीं मिलता है तो इंडिया मार्ट से आप लोग दोस्त मिलके, दस भाई मिलके, जॉबलेस भाई जो भी करना चाहते हैं ब्रीडिंग, वो एक यूनिट मंगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दो से 2,500 में मिल जाएगा वो, ऑलरेडी मैंने शेयर किया प्राइस उसका ऑनलाइन प्राइस। अगर वो दलाल के पास आके 380 में आ रहा है 10 ml की बॉटल, तो आपको होलसेल में इंडिया मार्ट में आपको 2,500 में मिल जाएगा, 2,000 में भी आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो आप ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे आप सस्ता आता है वहाँ पे ले लीजिएगा। और मेन बात है, ये बोलना चाह रहा था कि मैं, आप ब्रीडिंग जो भी भाई करना चाहता है वो पहले आप डाफनिया और जू प्लांटम का कल्चर करके रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जू प्लांटम और डाफनिया ज़रूरी है आपके ज़ीरो साइज़ मछली के लिए। आपके पास मछली है ज़ीरो साइज़ की है, एटलीस्ट 50 ग्राम हो, 100 ग्राम भी हो, ये डाफनिया खाएगा और जू प्लांटम खाएगा दोस्तों। ये नेचुरल फूड है, ठीक है। वो वेजिटेरियन मछली भी खाएगी और नॉन वेज मछली भी खाएगी, ठीक है। ये इसका ध्यान रखिए, ये पहले कल्चर कर लीजिएगा। कल्चर करने के बाद में आप मरल का ब्रीडिंग हो या दूसरा कॉमन कार्प हो या मृगल हो, दूसरा रहू हो, उसका ब्रीडिंग करिएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है आपको फिश का ज़ीरो साइज का फूड पहले प्रिपेयर करके रखना है, उसके बाद में आपको ब्रीडिंग स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। जू प्लांटम कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। राइस ब्रांड ले लीजिएगा 200 ग्राम्स, उसमें एक 50 ग्राम्स घुला हुआ गुड़, गरम किया हुआ गुड़, गुड़ का डाल दीजिएगा लिक्विड, उसके साथ 1 ग्राम आप ड्राई ईस्ट डाल दीजिएगा। 4 से 5 दिन में आप उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई दीजिएगा, 4 से 5 दिन में आपको जू प्लांटम तैयार होगा, ठीक है। डाफनिया भी बहुत इजी है, बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं यूट्यूब में, देखिएगा दोस्तों। पहले उस मछली का चारा बनाइए, उसके बाद में ब्रीडिंग करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।